इतिहास में पहली बार पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद देश के दुश्मनों को नहीं होगी। चीन को सबक सिखाने के लिए इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों की एकता की झलक दिखाई दी। गणतंत्र दिवस पर पहली बार 10 आसियान देशों के प्रतिनिधि मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राजपथ पर पीएम मोदी ने आसियान देशों के नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज सुबह राजपथ पर भारत और आसियान देशों के संबंधों को बयान करती झांकी निकाली गई। 69वें गणतंत्र दिवस की परेड में आसियान दस्ता भी शामिल हुआ। भारत आसियान संबंधों के 25 साल पूरे होने पर सदस्य देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। राजपथ पर आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत की संस्कृति की झलक देखकर काफी हैरान और खुश नजर आए। राजपथ पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्री समेत अन्य आसियान देशों के नेताओं का स्वागत किया। म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की राज्यों की झांकी और देश के शौर्य प्रदर्शन को बड़े ध्यान से देखती रही। राजपथ पर आसियान देशों के संबंध की झलक भी इस बार देखने को मिली। आसियान देशों की झांकी निकाली गई। समारोह के अंत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों से हाथ मिलाकर अभिवादन किया।